आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम। और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं, और इसका एक नाम कोठारी आयोग भी है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। आगे हम चर्चा करेंगे तो आपसे पूरी सारी चर्चा होगी। और नेशनल एजुकेशन कमीशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, और जो ईयर है इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 1964-66, ठीक है। और जो एक टैगलाइन लिखी हुई है, तो ये टैगलाइन जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से संबंधित है और कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि आखिर कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 का टैगलाइन क्या है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, भारत का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है। कक्षाओं का मतलब क्लास से, क्लास जो कि विद्यालय में होते हैं। तो इनका कहना है कि अगर विद्यालय में सभी लोग जाएंगे, सभी लोग सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो भारत का भविष्य है वो उज्जवल होगा। तो ये टैगलाइन भारत का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है कोठारी आयोग से संबंधित है। चलिए बात करते हैं, सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया। हमने इससे पहले दो आयोग पढ़े हैं, एक तो उच्च शिक्षा आयोग था जो कि राधा कृष्णन आयोग के नाम से फेमस है, और दूसरा माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कि मुदालियर शिक्षा आयोग के माध्यम से फेमस है। तो दोनों जो हमारे आयोग थे कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों में कायम नहीं हो पाए, उनको उद्देश्य उनके प्राप्त नहीं हो पाए। इसीलिए जो कोठारी आयोग आया इसमें काफी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले। तो कोठारी आयोग को एक विस्तृत शिक्षा आयोग भी कहते हैं, काफी बड़ा आयोग है या बड़ा विस्तृत चर्चा हुई है इसमें बड़ी। तो कहीं ना कहीं जो कोठारी आयोग है ये कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग है हमारे आज की नींव पड़ी है, समझ लीजिए जो आज की हमारी आधुनिक शिक्षा है। तो भारत में जो एक ऐसा आयोग बना जिसने भारत की शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़े परिवर्तन किए थे। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसी से आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डेट याद रखिएगा, 1964 वाली। आगे चलते हैं, डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जा सकता है कि जब कोठारी आयोग बना तो जो डॉक्टर कोठारी थे, डीएस कोठारी थे, ये किस पद पे थे? तो ये थे यूजीसी के अध्यक्ष, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने भारतीय स्कूलों की शिक्षा की गठन समीक्षा प्रस्तुत की, और भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। मैंने आपको बताया कि यहीं से एक नींव पड़ गई थी शिक्षा की। डॉक्टर कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे और जेपी नायक आयोग के संयुक्त सचिव थे। आयोग में 17 सदस्य थे जिसमें 6 विदेशी थे। जब ये आयोग बना तो उसके जो संयुक्त सचिव थे उनका नाम था जेपी नायक, और आयोग में सदस्यों की संख्या 17 जिसमें 6 विदेशी भी शामिल थे। आइए जानते हैं डीएस कोठारी के बारे में। इनकी तस्वीर है डीएस कोठारी जी की। चलिए शुरुआत करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को विज्ञान नीति बनाने में जिन लोगों ने सहयोग दिया उसमें डॉक्टर कोठारी, होमी भाभा, डॉक्टर मेघनाथ साहा और सीवी रमन थे। डॉक्टर कोठारी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं विज्ञान से काफी जुड़े हुए सदस्य थे। और जो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो विज्ञान नीति जो बनी थी उसमें इन्होंने सहयोग दिया था, तो ये कहीं ना कहीं साइंस से काफी जुड़े हुए हैं। तो साइंस से जुड़े होने के कारण जो दौलत सिंह कोठारी है इसके नाम पर एक फेलोशिप भी दी जाती है। आपको पता होगा कि दौलत सिंह कोठारी के नाम से एक फेलोशिप है जो साइंस के बच्चों को या जो साइंस में रिसर्च कर रहे हैं उनको मिलती है, और जो भी पीएचडी करना चाहते हैं या किसी टाइप का जो रिसर्च होता है तो उनको फेलोशिप डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के नाम से दी जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसके नाम से एक फेलोशिप चल रही है जो साइंस के बच्चों को दी जाती है, तो दौलत सिंह कोठारी के नाम पर। आगे चलते हैं, 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए और वहां ये 10 वर्ष तक रहे, ठीक है, 10 वर्ष तक इन्होंने जो है कार्य किया था। और जब ये इन्होंने
आयोग बनाया, जो मैंने आपको डेट बताई है 1964 से 66, है ना, 1964 से 66, तो 66 में ही इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बन गई थी, जवाहरलाल नेहरू अभी तक थे, और उसके बाद 66 में। तो अगर ये डीएस कोठारी कब बना, कब बन के तैयार, अपने आयोग की जो संतुष्टियां थी, जो भी विचार या सुझाव थे, तो वो उस समय अगर ये पूछा जाए कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जब ये आयोग अपनी सारी कार्यवाहियां पूरी करके सरकार को सौंप चुका था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कोठारी आयोग फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस की शैक्षिक परिषद का सदस्य था। भारत में शैक्षिक मॉड्यूल बनाने के लिए आयोग ने जिन तीन चीजों पर जोर दिया था, वो था आंतरिक परावर्तन, गुणात्मक परावर्तन, शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार। इसमें जो हम मेन चर्चा करेंगे वो होगा आंतरिक परावर्तन की, मतलब शिक्षा में ऐसे कौन कौन से इंटरनल चेंज किए जाएं जिससे शिक्षा में की गुणवत्ता में सुधार हो जाए। गुणात्मक परिवर्तन कैसे, उसमें क्वालिटी आएगी, कैसे जो शिक्षा है उसकी विशेषताएं हो बढ़ें, और कैसे जो हमारे से बच्चे हैं उनमें कैसे अपने लिए एक अच्छा नैतिक विकास हो सके। तो इसके लिए तो हम ज्यादा हमें यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन ऐसे होते हैं कि हमें इससे कुछ खास प्रश्न नहीं मिलते हैं। और शैक्षिक सुविधाओं का सुधार की बात करें, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई सुधार जो होंगे वो आंतरिक परावर्तन से ही संबंधित होंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे आंतरिक परावर्तन की, क्या हुए, यही मेन प्रश्न है, सारे प्रश्न यहीं से आते हैं, तो यहाँ पे अब जो भी है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। दरअसल समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यवसायिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाए। व्यवसायिक स्कूल का मतलब है जो माध्यमिक स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे आगे चलकर जो भी व्यक्ति है या बालक है वो अपने आगे आने वाले भविष्य को सुधार सके, नौकरी योग्य हो सके, अपना कोई बिजनेस चला सके, इस तरीके की शिक्षा उसे दी जाए। उच्च माध्यमिक स्तर पर कम से कम 50% बच्चों के लिए व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाए, कि मतलब कम से कम आधे बच्चे ऐसे हों जिनके लिए व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध हो। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं से मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, और माध्यमिक स्तर यानी कि सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 1 से 3 वर्ष का मतलब है ये टाइम ड्यूरेशन है, मतलब ये नहीं है कि एक बच्चा 1 साल का हो गया और 3 वर्ष के, ये टाइम ड्यूरेशन 3 से 6 वर्ष की उम्र, ठीक है, ये मान लीजिए। अब जो जैसा भी बच्चा है, बच्चा जिस तरीके से सीख रहा है, तो उसको पूर्व प्राथमिक, जिसको आजकल हम प्ले एजुकेशन कहते हैं, प्री नर्सरी कहते हैं, वो चीज यहाँ से ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, उसको पहले जोड़ा जाए, छोटे मोटे क्लास से खेल वाले हिसाब से पढ़ाया जाए, ठीक है। 6 वर्ष पूरे होने पर, जब बालक 6 वर्ष का हो जाए, तो वो पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो, 10 के बाद का मतलब कक्षा 11 और 12 से हो, कि वो साइंस साइड पढ़ेगा या आर्ट साइड पढ़ेगा बच्चा, ये डिसाइड होगा कक्षा 11 से, इनका कहना था। शैक्षिक ढांचे को 10+2+3 में व्यवस्थित किया जाए। ये आपको अच्छे से पता है कि जो 10 है इसको हम हाई स्कूल कहते हैं, 10+2 अगर हो जाता है तो क्या होता है, इंटरमीडिएट हो जाता है, और 3 में हम ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक कर लेते हैं। कभी कभी वैकेंसी निकलती है तो हम देखते हैं 10+2 मांगा गया है, मतलब इंटर मांगा गया है। जब ये 10+2+3 हो जाता है तो मतलब ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से शैक्षिक ढांचे को व्यवस्थित किया गया। इसी के बेस पे बहुत सारे पूरे देश में जो है परिवर्तन आया, कि इसी बेस पे हम अपनी शिक्षा पद्धति रखेंगे। इन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे। जाहिर सी बात है आप कहोगे कि मुदालियर आयोग ने भी यही कहा था, तो मुदालियर आयोग ने तो शुरुआत कर दी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक आयोग बना के उस पर जोर डाला गया कि हाँ भाई इसको 2 भागों में बांटना ही बांटना है, ठीक है। ये जो कोठा मुदालिया आयोग आया था, इन्होंने संतुष्टियां तो दी थी लेकिन कहीं ना कहीं उसको लागू नहीं करा पाए थे। वो सब
जो भी चीजें थी वो हवा में ही रह गई, लेकिन यहाँ पर काफी जोर दिया गया और पूरे देश में काफी प्रचलित हुई थी ये शिक्षा आयोग की संतुष्टियां। तो कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातक तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, ठीक है, स्नातक तक की भाषा जो है मातृभाषा हो, जैसे लोग कहते हैं कि इंग्लिश में हो गया या दूसरी भाषा में, नहीं, अपनी मातृभाषा में ही स्नातक पढ़ाई हो, ऐसे इन्होंने संतुष्टि दी या सुझाव दिया। शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और व्यवसायिक स्थिति को सुधारने की सिफारिश भी की। विज्ञान की शिक्षा स्कूल से शुरू होनी चाहिए और विश्वविद्यालय स्तर तक विज्ञान के शिक्षण में सुधार करके वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करें, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आयोग ने 3 भाषा सूत्र दिए और मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषा सिखाई। पहले डिग्री स्तर तक फिर मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इन्होंने 3 भाषा सूत्र, जिसको हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं, वो दिया था। त्रिभाषा सूत्र के बारे में अभी इसी वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि तो यहाँ पर अभी हम अभी आंतरिक परिवर्तनों की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से परिवर्तन आए। हम त्रिभाषा सूत्र को विशेष रूप से अलग से अभी समझेंगे कि क्या होता है त्रिभाषा सूत्र। प्रौढ़ शिक्षा का सुझाव दिया इन्होंने, 15 से 30 वर्ष के अनपढ़ लोगों के लिए विद्यालय की व्यवस्था हो। क्यों? माफ कीजिएगा, क्योंकि एक जो समय चल रहा था वो ऐसा समय था कि जब कुछ लोग जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते भी थे तो उनके आसपास माहौल नहीं होता था, वो अपनी एज पार कर जाते थे तो उनको विद्यालय जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं अच्छा लग रहा था। तो उसके लिए अलग से सुविधा करी गई कि भाई अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर अपने जो है लक्ष्य उनको कैसे प्राप्त करोगे, है ना। तो जो बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है वो जागरूक नहीं हो सकता इन सब चीजों के लिए, तो इसीलिए प्रौढ़ शिक्षा का सुझाव दिया गया। तो यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा का भी सुझाव दिया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, थोड़ा सा जान लीजिए इसको। ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो 1968 में हमारे सामने आई, और 1968 में आई तो जाहिर सी बात है जो कोठारी आयोग था उसी के जो संतुष्टियां थी, जो सुझाव थे, उसी आधार पे आई होगी। तो जो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कोठारी आयोग के सुझावों पर आधारित थी। अब इसने क्या काम किए, क्या परिवर्तन ये ला पाई कि नहीं ला पाई, ये कोठारी आयोग के संतुष्टियों पर ही आधारित थे। तो 24 जुलाई 1968 को प्रधानमंत्री की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई, ठीक है। ये पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता और समाजवादी समाज की स्थापना करने के निर्धारित लक्ष्य भी इसमें रखा गया। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा पर GDP का 6% खर्च होगा इसमें कहा गया था, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अब आप कहोगे कि हम कोठारी आयोग को जो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इससे कैसे अलग करें, कोई भी अंतर नहीं है दोनों में। आप जो कोठारी आयोग के सुझावों को पढ़ते हैं वो सभी को इस पे लागू किया गया है। तो हम इसको अगर अलग से पढ़ते हैं कि हम 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ रहे हैं तो अलग से नहीं पढ़ना, इसको मिला के पढ़ना है। जो उसके सुझाव थे उनको इन्होंने लागू किया, अब वो लागू कर पाए या नहीं कर पाए ये बात की बात है। तो उस पे भी हम अभी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजें लागू हो पाई और कौन कौन सी चीजें लागू नहीं हो पाई। तो शिक्षा प्रणाली का जो रूपांतरण करके 10+2+3 पद्धति का विकास किया गया। तो मैं बता दूं आपको, जो ये 10+2+3 की पद्धति थी ये काफी अच्छी मानी गई और कई राज्यों में लागू हो गई। लेकिन कई राज्यों का मतलब है कि जहां जहां आराम से जो सरकारें थी इसको लागू करने में अपने संसाधनों को अच्छे से उपयोग कर रही थी तो वहां तो ठीक था, लेकिन जहां की सरकारें, जहां भी उच्च शिक्षा तो दूर माध्यमिक शिक्षा का भी विशेष रूप से प्रयोग नहीं हो पा रहा था तो वहां कैसे होता। तो कई राज्यों में ये लागू हो गई और कई राज्यों में ये लागू नहीं हो पाई, इसके लिए आगे जो नीतियां आई थी उसमें कार्य किया गया, ठीक है। तो शिक्षा प्रणाली में अगर हम कहें कि 10+2+3 पे पूरा कार्य हुआ 1968 में, तो नहीं हुआ, शुरुआत हो गई लेकिन पूरे भारत में नहीं हो पाई थी। हिंदी की संपर्क भाषा के रूप में विकास हो गया,
संपर्क का मतलब यह है कि हम पूरे भारत में कहीं भी जाते हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो किससे, किस रूप में बात करें। अब हमारे साथ में जो बैठा हुआ है वो कन्नड़ बोलता है, कर्नाटक का है, तो उससे हम कैसे बात करेंगे। तो हिंदी भाषा को एक काफी जो है प्रचार या प्रसार करके कोशिश की गई कि भारत की एक भाषा तो ऐसी हो जो हम राज्यों में अलग अलग जाएं तो कम से कम उसके द्वारा लोग उसको समझ सकें। तो हिंदी काफ़ी हद तक प्रचार में आ गई थी और शिक्षा के अवसरों में समानता का प्रयास हुआ। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया, नैतिक सामाजिक मूल्यों के विकास पर भी जोर दिया गया। आयोग की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1968 में भारत की लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन हिंदी भाषा जैसे तीन शब्द के फार्मूले, जो मैंने त्रिभाषा सूत्र की बात की थी, ये देखिएगा यहाँ पे, तीन शब्द के फार्मूले की सिफारिशों को उत्तरी हिंदी राज्य, जो उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, तो उत्तरी हिंदी राज्यों द्वारा अंग्रेजी घृणा, यहाँ जो है अंग्रेजी से जो घृणा की गई, और दक्षिण राज्यों में हिंदी से नफरत करते थे लोग, तो हिंदी नफरत के कारण इसे खारिज कर दिया गया। मतलब त्रिभाषा सूत्र जो था वो खारिज हो गया 1968 में। लागू तो किया गया लेकिन जो लोकसभा में सब बातें हुई तो ये खारिज कर दिया गया, भाई ये फार्मूला नहीं लग पाएगा, भाषा के मामले में आप कोई और नियम निकालिए, ये आपके बस का नहीं है, ये हमारे लोगों को मान्य नहीं है। ठीक है, अब त्रिभाषा सूत्र था क्या उसको जरा जान लेते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए, त्रिभाषा सूत्र को लाया कौन, कोठारी आयोग। ठीक, कोठारी आयोग, लेकिन कोठारी आयोग लाया तो क्या इससे पहले त्रिभाषा सूत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं था। था ये कि उससे पहले लिख देता हूं यहां पे, आप लोग समझ लीजिए, इससे पहले भी 1949 में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी, मुख्यमंत्रियों लोग जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों के उनकी बैठक हुई थी, उसमें भी त्रिभाषा सूत्र को शामिल किया गया था और उन लोगों ने इसको पास कर दिया था। लेकिन वही बात, जो राज्यों में लोग रहते हैं उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, हम तीन तीन लैंग्वेज क्यों पढ़ें, और पढ़ें तो हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे, आपके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। तो बात हुई, पास हुआ लेकिन रद्द करना पड़ गया। 1957 में फिर से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार की बैठक हुई और फिर से त्रिभाषा सूत्र को लाया गया, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। तो ये तीन बार लाया गया और कई बार लाके भी इसमें जो फार्मूला लगाए गए वो काम नहीं करे। जाहिर सी बात है, चल रहा है तो आगे जो नीतियां आई होंगी उसमें अच्छे से इसको प्रस्तुत किया गया होगा। ठीक है, तो कोठारी आयोग में क्या, किस तरीके से इसको लॉन्च करने का तरीका क्या था, तो जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनसे कहा गया कि पहली भाषा तो आपकी वो होगी जो आपकी मातृभाषा है, आप जो भी बोलते हैं, और जो दूसरी होगी वो हिंदी होगी, और जो तीसरी भाषा आपको सीखनी है वो अंग्रेजी भाषा होगी। ठीक, तो उनके पास तीन ऑप्शन थे जो उनको सीखने ही सीखने थे, उनकी शिक्षा प्रणाली में इसका उपयोग करना ही था। हिंदी भाषी जो क्षेत्र थे तो पहली लैंग्वेज तो हिंदी है, तो ऐसा तो नहीं हिंदी नहीं सीखनी, हिंदी भी बहुत सीखने में आसान नहीं है, तो हिंदी लैंग्वेज, दूसरी उनको अंग्रेजी भाषा सीखनी थी क्योंकि अंग्रेजी भी हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व बना चुकी है, तो अंग्रेजी सीखनी थी, और तीसरे नंबर पे कोई भी आधुनिक भाषा जिसमें से हिंदी या अंग्रेजी ना हो, क्योंकि वो तो दो बार हम यूज ही कर चुके हैं। ठीक है, तो हिंदी अंग्रेजी को छोड़ के कोई भी भाषा तीसरे नंबर की भाषा। अब हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हिंदी सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं और एक संस्कृत को ले लेते हैं, तो ये तीन भाषाएं मोस्टली सीखते हैं। और जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो दूसरी भाषा मानी जाती है वो उर्दू होती है, तो आप उर्दू भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज हैं जो तीसरे नंबर पे अक्सर यूज की जाती हैं उत्तर प्रदेश में। बाकी क्या है कि जो हमारी क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है उसी हिसाब से सीखते हैं, जो हमारे केरला में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, कन्नड़, तो उनके क्या है, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र माने जाते हैं, तो उन पर यहाँ का रूल लागू हो जाता है। तो ये था त्रिभाषा सूत्र, और इसमें इस तरीके से जो फंक्शन बनाया गया लेकिन काम नहीं चला। ठीक है,
तो ये त्रिभाषा सूत्र है और ये पूरा कुठारी आयोग है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा आज का मैटर। तो आज का प्रश्न जान लीजिए, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में प्रश्न पूछा है तो प्रश्नों की कड़ी शुरू हो गई है। तो आप लोग सरल सरल प्रश्न मैं अभी दे रहा हूँ, तो उम्मीद है अच्छे से आंसर आप दे दोगे। और पहले खुद प्रयास करिएगा गूगल में सर्च करने के बाद, क्योंकि गूगल तो ऐसी चीज़ है हर चीज़ का आंसर आपको दे देगी। तो पहले विचार करिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा गया है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, यहाँ पे चीज छूट गई है, क्यों मनाया जाता है, कब और क्यों दोनों चीजें बतानी है आपको। भाई कब मनाते हैं वो डेट बतानी है और क्यों मनाते हैं वो भी बताना है, ठीक है। तो मिलते रहेंगे, जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।